सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यार यहाँ पे देखने वाले हैं DAV PG कॉलेज देहरादून उत्तराखंड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, न्यू एडमिशंस को लेकर क्या अपडेट मिल रही है PG कोर्सेज के और UG कोर्सेज का भी। अगर कोई अपडेट होगा यहाँ पे तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड हैं उनका भी यहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सारी अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए यार, यहाँ पे जो है जो लास्ट डेट यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंड कर दी गई है कौन कौन से कोर्सेज़ की। यहाँ पे MA, MSc और MCOM फर्स्ट सेमेस्टर्स की एंड LLB फर्स्ट सेमेस्टर्स की। अब 25 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक, यानी 11:59 PM, यानी रात के जो है 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 25 तारीख तक, ठीक है। तो यानी कि अभी मेरिट लिस्ट तो आएगी नहीं, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तब तक तो मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती है। एक बार रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे मेरिट आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गाइज ये मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक में आपकी मेरिट आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन ही चलेंगे, ठीक है। तो MA, MSc, MCOM और LLB, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो है एडमिशन्स यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस न्यू एडमिशन्स के लिए अभी भी आप यहां पे कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशंस नहीं किया। दूसरा यहां पे देखिए गाइज, यहां पे जो है करेक्शंस या अपडेट का, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस कर दिया है काफ़ी टाइम पहले, ठीक है। तो अब उनको अगर लगता है कि भाई कुछ करेक्शंस करना है या अपडेट करना है तो वो भी जो है 25 नवंबर 12 बजे तक यहाँ अपना ऑनलाइन करेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी खबर है। और जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, MSc बायोकेमिस्ट्री, BJMC और MSc IT सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स हैं, इनकी जो डेट है एक बार इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, इनकी जो डेट है लास्ट डेट वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है उनका डेट यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेट है 30 नवंबर, 30 नवंबर इनकी डेट एक्सटेंड कर दिया। PG डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशंस, PG डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटलिंग, इनकी जो डेट है वो 30 नवंबर है। बाकी कोर्सेज़ की जैसे आपका रेगुलर कोर्सेज है जो HNB से एफिलेटेड है, MSc जूलॉजी, स्टैटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा MSc बोटनी, बायो, और ये सारे तो आपके क्या है, ये रेगुलर कोर्सेज है। जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जैसे MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी भी इनकी जो डेट है वो 30 नवंबर यहाँ पे कर दी गई है। MCOM, MMR, MCOM की 25 नवंबर रेगुलर कोर्स है। MMR कम्युनिकेशन ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। MA एजुकेशन ये भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, इनकी डेट 30 नवंबर यहाँ पर जो है एक्सटेंड कर दी गई है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। बाकी MA आप इसमें स्टैटिक्स से कर सकते हैं, सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं। MA आप मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, हिंदी, हिस्ट्री से यहाँ से कर सकते हैं, जियोग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग से आप MA कर सकते हैं। डेट 25 नवंबर यहाँ पर आपके पास में रहेगी अप्लाई करने की। इसके अलावा LLB आप कर सकते हैं, 25 नवंबर डेट रखी गई है लास्ट जो है रजिस्ट्रेशंस की। और बात कर लेते हैं BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, 30 नवंबर इसकी जो है यहाँ पे डेट रखी गई है। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसकी भी जो है 30 नवंबर यहाँ पे डेट रखी गई है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं गाइज जिसमें सेल्फ फाइनेंसिंग और रेगुलर कोर्सेज हैं, जिनकी की जो डेट मैंने अभी आपको बताई, इस डेट तक आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को आप चेक कीजिए, आपको सारी प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है।